नमस्कार। आज के स्टूडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 2024 में आप आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। तो आइए बिना समय को गवाए हुए चलते हैं सीधे आधार कार्ड की वेबसाइट पर। ये जो आप देख रहे हैं ये आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, एक नया वेबसाइट जो लॉन्च किया गया है वो वाला है। अब आपको इसी वेबसाइट से आधार से संबंधित सारे कार्य करने होंगे। इससे पहले जो है वो UIDAI नाम का एक वेबसाइट हुआ करता था जिसके द्वारा जो है वो आप सारा काम करते थे। ये वाला इससे पहले जो वेबसाइट था UIDAI, ये वाला वेबसाइट हुआ करता था जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से था। लेकिन वर्ष 2024 के अंतर्गत में आपको अगर आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना है तो इस वाले वेबसाइट पे के ऊपर आना होगा और फिर यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। तो अगर आप आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया जो है कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। उस पर एक OTP जाएगा तभी आप इस पर लॉगिन कर पाएंगे और आधार से जुड़े हुए सारे कामों को आप तभी कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। सर्विसेज विच रिक्वायर मोबाइल नंबर टू बी रजिस्टर्ड विद आधार, मतलब इन सब सर्विसेज के लिए आपको आधार नंबर जो है वो उसमें मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना आवश्यक है, वो नंबर चालू भी होना चाहिए, उस पर OTP आएगा, उस OTP के माध्यम से ही आप सभी कार्यों को कर सकेंगे, इसमें लॉगिन कर पाएंगे। तो 2024 के अंतर्गत में ये चीज़ बिल्कुल ज़रूरी है। ये वाला वेबसाइट अब कार्यरत नहीं है। इस वाले वेबसाइट पर अगर आप किसी भी सर्विस का अगर आप लाभ लेना चाहेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली उसी वेबसाइट पर ले जाएगा, मतलब ये वाला आपको उसी वेबसाइट पर लेकर के चला जाएगा, myaadhar.uidai.gov.in। अब आपको क्या करना है, या लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है और लॉगिन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है और यहाँ पर कैप्चा कोड डाल करके और लॉगिन विद OTP के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर फटाफट आधार नंबर और इन सबों को डाल करके और लॉगिन करता हूँ। मैंने यहाँ पर आधार नंबर और कैप्चा कोड को डाल दिया है। अब मोबाइल पर OTP का इंतजार कर रहे हैं। मोबाइल पर OTP आ चुका है, उसे डाल करके हम लॉगिन करते हैं। मैंने OTP डाल दिया हुआ है, अब मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आप लॉगिन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे सर्विसेज अब हो सकता है, और साथ में यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे कोने पर तो कोना पर आप जो लॉगिन किए हुए हैं उनका आधार कार्ड दिख जाएगा। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल दिख रहा है। मैं इसे थोड़ा सा हाइड करके रखा हुआ हूँ आपकी जानकारी के लिए। और इसी का बैक साइड देखने के लिए नीचे में फ्लिप आधार का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बैक साइड जो है वो आपको दिख जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। फिलहाल इसके ऊपर फिर से मैं क्लिक करता हूँ, यह हाइड हो चुका है। अब अगर आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना है नया वाला तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, आप इसमें बहुत सारे कार्यों को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये काम जो है वो आपको 14 जून 2024 तक करना ही है, डाउनलोड आधार, ऑर्डर आधार, PVC कार्ड, एड्रेस अपडेट, ऐसे करके बैंक सीडिंग स्टेटस, वर्चुअल ID जनरेट करने के लिए, लॉक अनलॉक, बायोमेट्रिक, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। मैं फिलहाल डाउनलोड करना चाहता हूं तो यहां डाउनलोड के ऊपर हम क्लिक करते हैं। डाउनलोड के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इसी प्रकार से इंटरफेस आएगा जिसमें नाम और फोटो वगैरह दिख रहा होगा और ऊपर में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, डू यू वॉन्ट मास्क्ड आधार। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आधार नंबर नहीं दिखेगा, आधार नंबर का सिर्फ आखिरी 4 अंक दिखेगा और बाकी सारा नंबर कट 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 ऐसे करके दिखेगा। तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक नहीं करता, मुझे मास्क्ड आधार नहीं चाहिए, मुझे पूरा पूरी आधार चाहिए। और इसमें पूरा का पूरा डिटेल दिखेगा जब आप नीचे करेंगे तो मैं यहाँ पर अभी इन सब को नहीं देखना चाहता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ नीचे में जो डाउनलोड का बटन है उस डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। डाउनलोड बटन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका आधार जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। मैंने डाउनलोड बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो ये डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डाउनलोड होकर के आ गया है, लेकिन अब बोल रहा है कि द आधार लेटर PDF पासवर्ड विल बी 8 करेक्टर। लेकिन ये जो आधार जब आप ओपन करना चाहेंगे तो देखिए इसमें पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो इसका पासवर्ड क्या होगा, तो इसका पासवर्ड होगा आपके नाम का पहला 4 अक्षर और डेट ऑफ बर्थ का केवल साल। जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, अगर आपका नाम एनीस कुमार है और आपका जन्म 1989 में हुआ, केवल साल लेना है, डेट और महीने का जरूरत नहीं है। तो आपका जो पासवर्ड होगा वो ANIS, पहला 4 अक्षर ये वाला और उसके बाद जिस साल जन्म हुआ है वो वाला साल, यानी आपका पासवर्ड ये वाला होगा। तो ठीक इसी प्रकार से मैंने जिनका आधार कार्ड डाउनलोड किया हुआ है उनका जो नाम है उनका 4 अक्षर हम यहाँ पर एंट्री करते हैं कैपिटल लेटर में, ध्यान रहे।
ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो हम पहला चार अक्षर को हमने ले लिया है और उसके बाद हम साल को इंट्री कर लेते हैं और उसके बाद सबमिट जैसे ही करेंगे तो आधार कार्ड जो है वो आ जाएगा। देख सकते हैं उनका आधार कार्ड जो है वो पूर्ण रूपेण जो है हमारे सामने डाउनलोड होकर के आ चुका है। हालांकि मैंने इसको हाइड करके रखा हुआ है क्योंकि ये प्राइवेसी के कारण से मैंने इसे हाइड करके रखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप वर्ष 2024 के अंतर्गत में आप अपना आधार कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड से संबंधित और भी कई सारे वीडियोज हमारे चैनल पर हैं और आपको किस प्रकार से वीडियोज की आवश्यकता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर के आऊंगा। एक और महत्वपूर्ण बात कि अब आपका सारा काम हो गया तो यहाँ से आपको जाना है और लॉग आउट कर देना है। इसके ऊपर आप जैसे ही जाएंगे, यहाँ देखिए नीचे में लॉग आउट का ऑप्शन है, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब हमारा ये लॉग आउट हो गया है। इस प्रकार से आप अपने सारे कार्यों को कर सकते हैं यहाँ से। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से अन्य वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। धन्यवाद।